प्रमोद, बाबा के दीदार के लिए अब जिस तरीके से ये नया रास्ता बनाया जा रहा है, करीब 16 लाइनें बनेंगी, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर और क्या माना जा रहा है, कब तक ये काम पूरा हो पाएगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट राजस्थान पत्रिका लेकर आया है श्याम भक्तों के लिए। जी, श्याम भक्तों के लिए बाबा श्याम के जो दीदार के जो दर्शन का समय और वो संख्या है, वो उसमें काफी इजाफा हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा, इस समय श्याम मंदिर में प्रवेश और निकासी द्वार की जो व्यवस्था है उसको सुगम करने के लिए मंदिर कमेटी प्रशासन की देखरेख में विगत 12 दिनों से भी अधिक समय हो गया है कि इस व्यवस्था में जुटी हुई है। मंदिर का मुख्य प्रवेश मार्ग जिसे कहते हैं 75 फुट, वहां से 16 लाइनें मंदिर से होकर के निकासी मार्ग तक पहुंचेगी। इन 16 लाइनों का दिन रात 200 से अधिक कर्मचारी जुटे हुए हैं, व्यवस्थाओं में मंदिर कमेटी लगी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनमें पहले घंटों लगते थे दर्शनों में, अब वह चंद मिनटों का यह सफर तय होगा। इसमें 1 घंटे में करीब 70,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे और एक दिन की बात करें तो करीब 15 लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर जो रास्ते खाटू श्याम जी की ओर आ रहे हैं, उन रास्तों पर भी पालिका प्रशासन सीसी रोड, सीमेंट की रोड बना रही है, नालियों का निर्माण कर रही है। और वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, मंदिर में दो श्याम मंदिर में दो मंदिर और स्थित है, एक है गोपीनाथ जी मंदिर, दूसरा है सिंहपोल हनुमान मंदिर। इन दोनों मंदिरों का नया मंदिर बन चुका है निकासी द्वार के ऊपर। जी, सूत्रों के अनुसार माने तो बसंत पंचमी के अवसर पर इन दोनों मंदिरों की शिफ्टिंग उन नए मंदिरों में की जाएगी। जी जी बिल्कुल। और प्रमोद, क्या माना जा रहा है, कब तक शुरू हो जाएगा ये? दिसंबर में माना जा रहा है कि काम पूरा होगा और भक्तों के लिए खुल जाएगा। जी, कवायद यही है कि भक्तों को समय कम लगे और दर्शन हो, लेकिन प्रशासन ये भी चाहता है कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको पूर्ण कर लिया जाए, चाहे वो बात मंदिर की हो चाहे बाहरी व्यवस्थाओं की हो। क्यों? क्योंकि एक बार मंदिर खुलने के बाद में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की उपड़ सकती है, इसलिए मंदिर प्रशासन भी ये चाहता है कि सारी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली जाए। हो सकता है कि दिसंबर माह के अंत में मंदिर खुल सकता है, ऐसी कवायद प्रशासन लगा रहा है। जी प्रमोद, तो ये मान ले अब, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह का घटनाक्रम खाटू श्याम जी